कहानी में सच और झूठ दोनों ही गलत है। क्या धर्म क्या है वर्तमान सब। नमस्कार दोस्तों, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की धमाकेदार फिल्म विक्रम वेदा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में विलन के रोल में ऋतिक काफी खूंखार दिख रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे सैफ अली खान को अपनी कहानियों में फंसा कर रखता है। फिल्म में काफी सस्पेंस है। यह केवल हीरो और विलन की कहानी नहीं दिख रही, बल्कि जितना ट्रेलर में दिख रहा है उसके पीछे कई बड़े राज और रहस्य नजर आ रहे हैं। जिस तरह कहानियों में बेताल विक्रम को अपनी बातों में उलझाए रखता है, उसी प्रकार इस मूवी में वेदा विक्रम को अपराध जगत में फंसा कर रखता है। वेदा का किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन 3 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स उमेर संधू ने लिखा है कि इस समय विक्रम वेदा इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे जनता की भीड़ और क्लास पसंद करने वाली है। बता दें कि यह फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई तमिल फिल्म विक्रम वेदा का ऑफिशियल रिमेक है। आर माधवन व विजय सेतुपति की वह फिल्म सुपरहिट रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि विक्रम वेदा के हिंदी रिमेक को लोग कितना पसंद करते हैं। ऋतिक रोशन की मूवी विक्रम वेदा 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर मणिरत्नम की बड़े बजट की मूवी पोन्नियिन सेल्वन से होगी, जिसमें ऐश्वर्या राय लीड रोल में है। देखना होगा कि दोनों बड़े बजट की मूवी में से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी मूवी बाजी मारेगी। धन्यवाद।